Good morning students. Class 5, कल chapter number 2 आप लोगों को हमने पढ़ा दिया था. Excuses, excuses. ये पूरा poem आप समझ चुके हैं. हमने पढ़ा दी थी आपको और ये word meanings भी हमने आपको लिखने के लिए दिया था. Okay? आज देखिए ये exercise आप बनाइए अपने book में. मैं show कर रही हूँ ये exercise आप अपने book में बनाओ. This one and this one. Answer देखो. Okay. Now question आप पहले देख लो, फिर मैं answer आपको show करूंगी और वो question and answer आप ये question आप अच्छे से देखो. पहले आप अपना क्वेश्चन लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 1 एक ऊपर में डेट दोगे, चैप्टर नंबर 2 लिखोगे और चैप्टर का हेडिंग दोगे. एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस. हेडिंग देने के बाद पहले पेज में तो आपको वर्ड मीनिंग लिखना है और नेक्स्ट पेज में पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 उतारोगे, अगेन देन आंसर नंबर 1. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर नंबर 2. ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिया, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखने हैं आपको. मैंने क्वेश्चन शो किया, अभी मैं आपको आंसर दिखाती हूँ. ये रहा चैप्टर 2 का आंसर. क्वेश्चन उतारोगे और फिर आंसर उतारोगे. एक आंसर नंबर 1 से लेके 5 तक सारे मैंने लिख दिए हैं आपको, या आप अपनी कॉपी में लिख के रखोगे. और हाँ, सिर्फ लिखना ही नहीं है, सारे जो जो आप लोग लिख रहे हो उसको याद भी करोगे साथ साथ में, क्योंकि इसके बाद हम आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, बाय बाय फॉर टुडे. दैट्स ऑल.